नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करेंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। करेंट अफेयर्स पर आधारित डेली एमसीक्यूज के नाम से हमारी एक श्रृंखला पिछले एक साल से अनवरत रूप से चल रही है, जबकि स्टैटिक एमसीक्यूज का उद्देश्य आपके विषयवार रिवीजन को आसान बनाना है। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के सातों दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी आ जाती है। दूसरा, नेत्रदाता की आंख से रेटिना का प्रयोग किसी अंधे व्यक्ति की आंख के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस बीमारी में रोगी के रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होने पर थक्का नहीं जमता, और वहीं नेत्रदाता की आंख से कॉर्निया को निकालकर, रेटिना को नहीं बल्कि कॉर्निया को निकालकर दूसरे व्यक्ति की आंख में प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया एक साफ परत होती है जिसमें प्रकाश की किरणें पास होती हैं यानी गुजरती हैं उससे होकर। अधिकांश कीट निम्नलिखित में किस अंग से श्वसन करते हैं? विकल्प हैं ए त्वचा से, बी गलफड़ा से, सी फेफड़ों से, अथवा डी वातक तंत्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये वातक तंत्र से करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकतर कीटों में श्वसन की क्रिया वातक तंत्र से होती है। वातक तंत्र यानी वही श्वसन नली जो होती है। इस तंत्र में वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। वातक तंत्र काइटिन छल्लों से बनी वायु नलिकाओं का बना होता है, जिसको वातक कहते हैं। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एडीज मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला डेंगू, दूसरा पीत ज्वर, तीसरा चिकनगुनिया और चौथा मलेरिया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो सही हैं, बी केवल एक दो और तीन सत्य हैं, सी केवल एक सत्य है, अथवा डी एक दो तीन और चार सत्य है, यानी चारों सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल एक दो और तीन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, जबकि एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, यानी मलेरिया एडीज मच्छर के काटने से नहीं होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं, यानी पेट्रोल गाड़ी से निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन और चौथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक दो और तीन, बी केवल एक दो और चार, सी केवल एक और चार, अथवा डी केवल दो और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल एक दो और चार वाले जो प्रदूषक हैं वही पेट्रोलियम वाहनों से उत्सर्जित होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों से खासकर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का भी उत्पादन यानी उत्सर्जन होता है। ओजोन का उत्सर्जन पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये यौगिक हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से युक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप वायुमंडल में बनता है, यानी डायरेक्ट पेट्रोलियम गाड़ियों से ओजोन नहीं निकलता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है यानी रिलीज होती है? पहला निर्वनीकरण, दूसरा श्वसन, तीसरा ईंधन जलाना और चौथा जीवाश्म ईंधनों का निर्माण।
आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक दो और तीन, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, अथवा डी एक दो तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो और तीन सत्य हैं। यानी श्वसन और ईंधन जलाने के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन तथा ईंधन जलाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है। निर्वनीकरण यानी वन काटने के फलस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है डायरेक्टली। जीवाश्म ईंधनों को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, उसके निर्माण में नहीं। यानी जीवाश्म ईंधन वाली यानी पेट्रोल डीजल इन सबको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इनके निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो धेआईएस के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।